जब आप कोई भी विचारधारा फैलाना चाहते हैं तो उसके लिए चार घटक होते हैं। पहली चीज है दृढ़ संकल्प, दूसरी है बौद्धिक और आध्यात्मिक योग्यता की वृद्धि, और तीसरी है अटूट पुरुषार्थ, और चौथी है सामाजिक और राजनीतिक सहयोग। अब एक एक के बारे में बता देता हूं। जो मैंने पहले कहा कि दृढ़ संकल्प, यदि आपके पास दृढ़ संकल्प नहीं है तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे विद्या का क्षेत्र हो, अर्थोपार्जन का क्षेत्र हो, दृढ़ता के बिना तो कुछ कार्य हो ही नहीं सकता। मनुष्य अपने विचारों से ही बना होता है। हमारे समाज की जो सबसे बड़ी कमजोरी रही है, सुंदर साथ के मन में धारणा रही है कि राज्य लाए हैं तो राज्य ले जाएंगे, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और आप जानते हैं बड़े बड़े स्थानों पर जो भी अधिपति रहे हैं उनमें एक जुनून नहीं रहा है पहले से। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। आजकल तो बहुत बड़े बड़े संसाधन हो गए हैं, बीतक के घटनाक्रम हमें क्या बताते हैं? मंदसौर में 8 महीने भिक्षा पर गुजारा करना पड़ता है, उदयपुर में वैरागी भेष धारण करना पड़ता है, औरंगाबाद में भी कष्ट से जीवन गुजारना पड़ता है, रामनगर में कष्ट झेलने पड़ते हैं, धूप शीत वर्षा का कष्ट स्वयं श्री जी सहन करते हैं। ये किस लिए ऐसी लीला की गई? ताकि छठे दिन की लीला में सुंदर साथ इन कष्टों को झेलकर कभी भी व्यथित ना हो। जो राज्य अपनी इच्छा मात्र से पन्ना जी में हीरे निकलवा सकते हैं छत्रसाल जी को वरदान देकर, मंदसौर में एक ही हीरा निकलवा लिए होते तो शायद 8 महीने भिक्षा के ऊपर निर्भर तो नहीं करना पड़ता। लेकिन नहीं, सबके अहम को तोड़ना है, सबको कष्ट दिलाकर परिपक्व बनाना है। इसलिए सर्वसमर्थ होते हुए भी श्री जी ने वैसी लीला कोई नहीं की। परिणाम क्या हुआ? एक जनून है कि 5000 सुंदर साथ एक साथ चल रहे हैं, सबके खर्चे की व्यवस्था करनी है, उसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, वृद्ध भी हैं, लेकिन कोई घर जाने के लिए राजी नहीं है। कुछ लोग चले गए लेकिन वे सारे सुंदर साथ पन्ना जी तक पहुंचते हैं। सबके मन में भावना क्या है कि हम परम धाम की ब्रह्मवाणी को सारे संसार में फैला दें ताकि ब्रह्मात्माएं जग जाएं। छत्रसाल जी के बाद वो धारा मंद पड़ती गई, बिल्कुल लुप्त जैसी हो गई। तो ये कमी हमारी पहली है कि दृढ़ संकल्प नहीं है हमारे अंदर। हम जयकारे लगा लेंगे, खूब जोर जोर से बोल देंगे कि प्राणनाथ के बालक हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे, केवल गाने के लिए, करने के लिए कुछ नहीं। तो यदि सबके अंदर पहले जुनून हो जाए, दृढ़ संकल्प हो जाए कि हमारी ब्रह्मवाणी अक्षरातीत की कही हुई है, उसको संसार में फैलाना है, तो एक बहुत बड़ा कार्य होगा। दूसरा कार्य है बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रगति। देखिए, हम बौद्धिक क्षेत्र से भी निर्मल हैं बहुत। वाणी का तत्व ज्ञान इतना महान है कि हम सारे विश्व को चुनौती दे सकते हैं। आप अरब का सबसे बड़ा मौलवी हो, देवबंद का मौलवी हो, जिसने वाणी किस को समझा है, जैसे नरेश टंडन जी के सामने कोई भी मौलाना आए, चाहे अरब का हो, देवबंद का हो, या देवबंद में तो एशिया की सबसे बड़ी संस्था है, शिक्षण संस्था मुसलमानों की, नरेश जी के प्रश्नों का उत्तर उनके पास नहीं है, क्योंकि नरेश जी ने जामिया मिलिया से एमए किया है, अरबी पढ़ी है, फारसी पढ़ी है, वाणी जानते ही हैं, बीतक जानते ही हैं। उन्होंने वाणी के तत्व ज्ञान को अरबी, फारसी और उर्दू कुरान के माध्यम से इतना परिपक्व बना लिया है। किंतु अब से पहले तो ये व्यवस्था थी नहीं। आप जानते हैं, मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ। आज से कुछ वर्ष पहले रोजड़ आश्रम में एक आचार्य का देहावसान हो गया था। उनकी श्रद्धांजलि कार्यक्रम में
जानते हैं कितने आचार्य इकट्ठे हुए थे? आर्य समाज के लगभग 5000 के आसपास आचार्य हैं, और एक आचार्य के देह त्याग पर हजारों आचार्य इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे पास 5000 तो क्या 50 भी नहीं है पूरे देश में मिलाकर। हमने शिक्षा व्यवस्था को इतनी ध्वस्त कर रखा है, आप किसी विद्वान के पास जाइए आर्य समाज में तो वो कहेगा कि ये किताब पढ़ो, ये किताब पढ़ो। हमारे समाज में एक महान विभूति रही हैं सूरत में, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनके पास कोई जाता था कि महाराज जी हम वाणी पढ़ना चाहते हैं, तो कहते थे कि अरे पागल हो, पढ़ करके क्या करोगे, भजन करो भजन करो। तो जब समाज के पथ प्रदर्शक ही किसी को वाणी पढ़ने नहीं देंगे, घर पर वाणी पधराने के लिए विवाह जैसा खर्चा करा देंगे, गृहस्थी का नाम देकर किसी के घर में वाणी नहीं पधरने दी जाएगी, किसी नई पीढ़ी को तैयार नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? आप देखिए, बहुत रोग आकर हमारे देश में, हमारे प्रणामी समाज में केवल दो शिक्षण संस्था है वाणी बीता की शिक्षा के लिए, एक रायगढ़ में एक ज्ञानपीठ में। पहले जामनगर में, सूरत में या पन्ना जी में 10, 5, 15, 20 कुछ पढ़ लिया करते थे, अब वहाँ के ट्रस्ट का ध्यान इस तरफ नहीं है। तो हम बौद्धिक क्षमता की दृष्टि से आप कितने पीछे हैं इसका सरल अंदाजा आप लगा सकते हैं। बख्तियार खिलजी ने 3 विश्वविद्यालयों को जला दिया, नालंदा, विक्रमशिला और उदंतगिरी। केवल बिहार के अंदर 3 विश्वविद्यालय थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। नालंदा में 18,000 विद्यार्थी थे और 2,000 आचार्य थे, 20,000 तो केवल एक नालंदा में थे। तो आप समझिए, एक बिहार प्रांत में 3 विश्वविद्यालय थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। हम पूरे देश में एक छोटी से बढ़िया पाठशाला नहीं बना पाए पिछले 300 वर्षों में, तो हम कहाँ ठहरते हैं? शंकराचार्य जी से बात करनी हो तो हमारे पास इस स्तर के संस्कृत के विद्वान नहीं थे, मौलवियों से बात करनी हो तो अरबी के विद्वान नहीं थे, क्योंकि अंग्रेजी पढ़े हुए तो हमारे साथ में भी काफ़ी हैं, लेकिन बाइबिल का ज्ञान रखने वाले कितने हैं? तो वाणी और वेद, वाणी और कुरान, वाणी और बाइबिल को एक साथ लेकर संत वाणी के साथ दूसरे धर्म वालों को कोई परिचय कराने वाला ही नहीं होगा, कोई मंच पर बोलने वाला नहीं होगा, तो हमारा सुधार कैसे होगा? कोई भी समाज भवनों से नहीं बनता है। चाणक्य किसी महल में नहीं रहते थे, चाणक्य की झोपड़ी में चंद्रगुप्त निकलता है, विश्वामित्र के चरणों में राम का निर्माण होता है, द्रोणाचार्य के आश्रम में अर्जुन का निर्माण होता है, सोने के महलों में दुर्योधन जैसे लोग पैदा होते हैं, हमारे बड़े बड़े स्थानों में कीमती पत्थर लगाए जाते हैं, सोने चांदी के कलश सिंहासन चलाए जाते हैं, दरवाजे बनते हैं, इसके लिए सबके पास बजट है, कई कई करोड़ के बजट होते हैं, शिक्षा के लिए कोई बजट नहीं। तो आप सोचिए, पूरे हिंदू समाज का पतन किससे हो रहा है? केवल मंदिरों के कारण हो रहा है, श्रद्धा का नाम दिया जाता है, ज्ञान नहीं है। आज देश में प्रवाही समाज में भी देखिए कितने कितने करोड़ के मंदिर बन रहे हैं, पहले के बने हैं। मैं सोमनाथ गया था वहाँ देखने के लिए, आप सोचिए कितने करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे, लेकिन एक छोटा सा बुक स्टॉल सोमनाथ के मंदिर में नहीं था कि दो किताबें आप खरीद सकें। तिरुपति मंदिर में जाइए, कोई साहित्य नहीं मिलेगा। वैष्णो माता के दर्शन करने के लिए जाइए, मैं तो गया नहीं हूँ, न तिरुपति गया हूँ, न वैष्णो माता गया हूँ, सोमनाथ गया हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ ज्ञान की कोई बात मिलेगी। सारी जनता का ध्यान तो मंदिरों में चढ़ावे तक सीमित रह गया, हमारा समाज भी उसी राह पर चल पड़ा। वाणी किस लिए आई थी? सारे संसार को प्रकाशित करने के लिए। सो तो दिया मैं तुमको, सो खुले ना तुम बिन, जो मेरी शुद्ध दियो और को तित चले तुम्हारा हुक्म। अब आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले मुझे सूचना मिली थी कि नेपाल में झापा के पास एक मंदिर बन रहा है, शायद उसमें 22 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, मंदिर नहीं देवचंद जी के नाम पर एक भवन बन रहा है। अभी भवन पूरा नहीं हुआ, 22 करोड़ खर्च हो चुके हैं। 22 करोड़ में तो एक डिम्ड यूनिवर्सिटी बन सकती है,
लेकिन किसी का चिंतन इस तरफ नहीं है कि शिक्षा को बढ़ाया जाए। जब गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हुई थी तो स्वामी श्रद्धानंद ने अपने दो बच्चों को विद्यार्थी बनाया। शुरू में 8 विद्यार्थी थे, आज गुरुकुल कांगड़ी केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में है। लेकिन ये 125 साल के अंदर हुआ। हमने 300 वर्षों के अंदर कोई ऐसा वाणी बीतक के प्रचार के लिए डिम्ड यूनिवर्सिटी बनाने की तरफ सोचा ही नहीं। मंदिर कितना शानदार बनाना है, कितने कलश में खर्चा करना है, फर्श में कितना खर्चा करना है, ये सबके लिए बजट है। इसलिए हम बौद्धिक, पहले मैंने कहा हम संकल्प की दृष्टि से पीछे हैं, बौद्धिक स्तर से पीछे हैं और आध्यात्मिक स्तर से भी पीछे हैं। देखिए समाज आगे कैसे बढ़ता है, आत्मबल कहाँ से आ गया, ध्यान से। हमारी जो गरिमा है परमहंसों के कारण टिकी हुई। जितने ब्रह्मुनि हुए, गोपाल मणि जी से लेकर बाबा दयाराम, परमहंस महर्षि राम रतन दास जी, मंगलदास जी, जवाहरदास जी, युगलदास जी, सभी परमहंसों ने अपने त्याग और तप से वाणी के ज्ञान को फैलाने का प्रयास किया है। परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी की कृपा सरकार श्री पर हुई, उन्होंने वाणी का बीज बोया। पहले गुजरात में जब शिविर लगाए जाते थे तो उसके पहले की क्या परंपरा थी, पूरी रात गरबा होते थे, वाणी पधराकर चर्चा नहीं की जाती थी। आज भी वो परंपरा नहीं। अब जागनी अभियान के माध्यम से वाणी की चर्चा होने लगी, सुंदर साथ जागरूक होने लगे, चितवनी होने लगी। सारा सुंदर साथ 300 साल से तो कर्मकांड में ही उलझा हुआ था, केवल सेवा पूजा को सब कुछ मान लिया जाता था। माला का जप हो गया, परिक्रमा हो गई, पूजा पाठ हो गया, इसी को सब कुछ माना जाता था। आध्यात्मिक प्रगति बिना चितवनी के नहीं हो सकती। वाणी में एक भी चौपाई बता दीजिए, मैं ये बीतक में एक भी चौपाई बता दीजिए, कहीं माला फेरने को लिखा है, कोई बता सकता है, परिक्रमा के लिए लिखा है, लिखा नहीं है। लेकिन प्रवाही जैसा करते हैं, हमने सारे नियम अपने ऊपर ले लिए। कंठी पहनने के लिए कोई आदेश है क्या, क्या तम में लिखा है कि तस्वी गुदड़ी कुरवा छोड़ो जनम हीर सवा, सीधे कह दिया है, ये जो फर्ज बंद की जाहिरी बीच नासूत लिखी हक से दूर। ये तो राज्य से दूर करने वाली चीजें हैं, लेकिन आप किसको मना करेंगे। जिस आप कहने जाओगे यही सुंदर साथ आपको पत्थर भी मारेगा कि आप परंपरा के विरुद्ध चल रहे हो। पूछा जाए वाणी में कहां लिखा है कि 1 करोड़ महामंत्र का जप करो। एक बड़े स्थान के एक विद्वान जो प्रवचन दे रहे थे कि आप 1 करोड़ तारतम महामंत्र का जप कर लोगे तो वाक सिद्धि हो जाएगी। मैं तो कहता हूं कि आप सत्य बोलना शुरू कीजिए, आपकी वाक सिद्धि स्वतः मिल जाएगी, आपको 1 करोड़ महामंत्र की जप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो हमारे यहाँ बौद्धिक विकास होना चाहिए, आध्यात्मिक विकास होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। देखिए बुद्ध के शिष्यों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितने कष्ट चले। उस समय क्या था, बड़े बड़े राजकुमारों ने अपना घर द्वार छोड़ा। राजकुमार सिद्धार्थ ने जैसे ही छोड़ा, बुद्धत्व को प्राप्त किया, उनके परिवार में आनंद उनके चचेरे भाई थे। आनंद ने अंतिम समय तक श्रद्धापूर्वक सेवा की। आनंद को राज सिंहासन मिलना चाहिए था, सब छोड़ दिया। वो बुद्ध के बिना एक पल भी रह नहीं सकते थे। और जानते हैं भिक्षा पात्र लेकर स्वयं भगवान बुद्ध जाते थे। सबको अपनी अपनी भिक्षा स्वयं मांगनी होती थी। तो एक पुरुषार्थ था कि हम सत्य ज्ञान फैलाकर संसार के कष्टों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये गुण हमारे पास तो नहीं है। हमारे समाज की बड़ी हस्ती, यदि आपके घर में एसी की व्यवस्था नहीं है, अच्छी सुख सुविधाएं नहीं है, तो पहले ही मना कर देंगे कि हम नहीं आएंगे। आज देखिए फ्लाइट की सुविधाएं, अच्छी अच्छी ट्रेनें हैं, अच्छी अच्छी कारें हैं, उनसे आप बुला लीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन उनके पास वह त्याग नहीं है जो बुद्ध और उनके अनुयायियों के पास था। बुद्ध के शिष्यों ने मध्य एशिया तक धावा मारा था, चीन, जापान, अफगानिस्तान, ईरान, सिंगापुर, बर्मा, लंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सभी देशों में बौद्ध धर्म की पताका फहराई। किसके बल पर, करतल भिक्षा तरतल वास,
24 घंटे में एक बार भोजन मिलना था। बौद्ध भिक्षुओं ने अपना घर द्वार छोड़ा, बौद्ध मठों में रहकर अध्ययन किया। अब उस समय आजकल की तरह किताबें नहीं होती थी, बोल दिया गया, याद कर लिया, किसी किसी के पास ग्रंथ होते थे। आज कितने संसाधन हैं आपके पास, फिर भी हमारा समाज का जो नेतृत्व वर्ग है यह सोचने के लिए कोशिश ही नहीं करता कि आज के युग में ज्ञान की क्या हो सकता है। सभी क्या सोचेंगे कि आपके मंदिर में कितने तोले का कलश चढ़ा है, युगल जोड़ी में कितना सोना लगाना है, ये फर्श में कहाँ का पत्थर लगाना है। बस सारा ध्यान इसी पर है। साहित्य की दृष्टि से हम बहुत पीछे हैं। अभी देखिए, इस्कान की स्थापना एक व्यक्ति प्रभुपाद जी ने की थी। उनका साहित्य अच्छा है और उन्होंने अमेरिका में जाकर कुछ अंग्रेज युवकों को अपना शिष्य बनाया। जो फोर्ड कंपनी का संस्थापक मालिक था वो भी उनका शिष्य बन गया। एक मालगाड़ी में जितना सामान लग जाता है पूरी मालगाड़ी उनके साहित्य से भर गई थी। इस्कान के पास उतना साहित्य नहीं है जितना कि सरसावा के पास है, लेकिन सरसावा का साहित्य गुणवत्ता में भी श्रेष्ठ है। लेकिन हमारा प्रचार तंत्र कितना कमजोर है कि आप सोचिए, इस्कान का साहित्य पूरी दुनिया में मिल जाता है। देखिए, वे लोग इतने समर्पित हैं कि अमीर से अमीर घरों के लोग इस्कान के सदस्य बनते हैं, घर घर ले जाकर के गीता बेचेंगे, भागवत बेचेंगे, विनम्रता से कहेंगे कि आप हमारा साहित्य पढ़िए। हमारा सुंदर साथ किसी भी तरह का त्याग करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा, ज्ञानपीठ जितने बच्चे आए उनमें 80% बच्चों को उनकी माताओं और बहनों ने छिपा करके भगा दिया, बुलवा लिया, भाग आओ। किसके लिए? बहू के लिए, धन कमाने के लिए। एक तो वो हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चे को, भगवान बुद्ध की पत्नी यशोधरा ने अपने बेटे को 8 साल का था और भेज दिया था कि जाओ बुद्ध के पास, और उन्होंने सन्यासी बना दिया था। यशोधरा भी खुद चल करके सब कुछ छोड़ कर भिक्षुणी बन गई। जो महल में जिसको महारानी बन करके रहना था वो भी भिक्षा मांग कर गुजारा कर रही है। तो हम परम धाम के ब्रह्मनी भले ही कहला जाए, हम उन दुनिया के जीवों से बहुत पीछे हैं। संकल्प में पीछे हैं, बौद्धिक योग्यता में पीछे हैं, आध्यात्मिक प्रगति में पीछे हैं। हम 3 घंटे नियमित रूप से ध्यान करने के लिए तैयार नहीं है, 3 घंटे अध्ययन करने के लिए तैयार नहीं है, तो हम आगे कहाँ से बढ़ेंगे? आप देखिए, यही पास में रुड़की है, जाकर देखिए, इंजीनियरिंग के बच्चे 15-15 घंटे 18-18 घंटे पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ कि हमारे समाज के जितने विद्वान हैं केवल 2 घंटे नियमित अध्ययन करें तो उनका स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा, लेकिन इसके लिए भी कोई तैयार नहीं है। हमारे समाज का बौद्धिक स्तर कितना कमजोर है कि सब, अब तो थोड़ा सुधार होने लगा है क्योंकि जूम के माध्यम से अब हर सुंदर साथ यूट्यूब के माध्यम से पढ़ने लगा है, वेबसाइट से सारी टीका पढ़कर जानकार हो गया है। अब से 40 साल पहले जो भी विद्वान होते थे उनका प्रवचन साल भर का सुनिए, वो रटी रटाई आज भी होता है। आज भी कितने विद्वान होते हैं, रटा रटाया कुछ प्रकरण होता है, उसी को हर जगह जाकर के सुनाएंगे। अब तो सुंदर सा टोका टाकी करने लगता है, तो इसलिए वो भी अपनी तैयारी कर करके आते होंगे, मेरा अनुमान है। कि क्यों न ज्ञान ग्रहण करना है न दूसरों को करने देना है, ये मानसिकता बहुत घातक है। आप रथ को, जागने के रथ को नहीं चला सकते तो उसको रोकने का प्रयास तो ना कीजिए, आप कुटस्थ कम से कम खड़ा तो रहिए। जिस समाज में ज्ञान की चर्चा ही ना हो, आज भी देखिए कई बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, नाचना कूदना खूब होगा लेकिन प्रवचन के नाम पर कुछ नहीं, और 10-10 मिनट का प्रवचन होगा। 10 मिनट के प्रवचन में क्या समाज को शिक्षा मिलेगी? वाणी पर नहीं कुछ बोलेंगे, मन की कड़वाहट को मंचों पर बैठकर व्यक्त करेंगे। एक की शकल दूसरा देखने के लिए विद्वान तैयार नहीं है, और प्रतिबंध सारी ऊर्जा क्या लगाई जाती है कि अमुक विद्वान का प्रवचन यहाँ नहीं होना चाहिए। आप करवा नहीं सकते तो भाई रोको तो नहीं, आप ज्ञान को फैला नहीं सकते तो ज्ञान के प्रवाह को रोकने का प्रयास न कीजिए। हमारे समाज में सारी ऊर्जा इसी पर लगती है, इसलिए जैसे एक वृक्ष को दीमक खा जाती है तो वृक्ष सूख जाता है,
वैसे ही हमारे जागनी के वृक्ष को हमारी अकर्मण्यता ने, अशिक्षा ने, दृढ़ मनोबल की कमी ने जर्जर कर दिया है। जो चौथा घटक मैंने बताया है वह है सामाजिक और राजनीतिक सहयोग। सुंदर साथ को सामाजिक सहयोग भी बहुत कम है। जैसे मैं मान लेता हूं, मैंने सब सुंदर साथ से कई साल पहले भी कहा था कि 1000 सुंदर साथ केवल तैयार हो जाएं और 1000 सुंदर साथ हर महीने केवल 500 रुपया जागने मिशन के लिए दिया करें तो जानते हैं कितना होगा? 60 लाख रुपए हो जाएंगे। आप अपने घर में बर्तन धोने वाले को, दिल्ली जैसे शहर में तो मेरा मानना है कि 500 से कम में शायद कोई बर्तन धोने वाले मिले। बर्तन धोने वाले को 500 दे सकते हैं हर महीने, भोजन बनाने वाले को 500 देंगे। अब मुझे रेट का तो पता नहीं है, मेरा अनुमान है कि किसी भी बड़े शहर में 500 से कम में कोई भी महिला किसी के घर बर्तन नहीं धोएगी। लेकिन यदि 1000 सुंदर साथ सारे समाज से 500 केवल महीना दें तो 60 लाख हो जाएगा और 60 लाख में जागनी का बहुत बड़ा मिशन हो जाएगा। ज्ञानपीठ का सालाना खर्च लगभग 25 लाख है। ऐसे ज्ञानपीठ जैसे दो ज्ञानपीठ चल सकते केवल 500 रुपये के सहयोग से, लेकिन सामाजिक सहयोग नहीं है। कुछ सुंदर साथ की भावना दृढ़ होती है तो उनकी तरफ से सेवा पूरी हो जाती है, लेकिन सामूहिक सबके अंदर उल्लास हो ऐसा नहीं। आप देखेंगे कि मुसलमानों के अंदर जकात का नियम है, अपनी आय का 40वां अर्थात 2.5% देना, लेकिन वो जो ज़्यादा समर्थ हैं 5% भी देते हैं, 10% भी देते हैं। जो लोग क्रिश्चियन बनते हैं उनके लिए अनिवार्य है कि 10% देना है, और जो स्वामीनारायण मत में भी 10% अनिवार्य रूप से देना होता है। सुंदर साथ मैं कहता हूँ कि 2.5 न दे 10 न दे 2% केवल दे दे तो भी बहुत हो जाए, 2 तो बहुत कम होता है। जिसके घर में 1 लाख रुपये की मासिक आमदनी है वो भी 500 रुपया देना नहीं चाहता, तो आप सोचिए कितना हुआ। 500 रुपया तो मैं 0.5% 0.5% होता है, वो भी देने को तैयार नहीं है, तो इस समाज से क्या आशा कर सकते हैं। सब सुंदर साथ को वाणी मिल रही है, बीतक मिल रही है, चर्चनी मिल रही है, चर्चा मिल रही है, लेकिन हमारा सामाजिक सहयोग बहुत कमज़ोर है। राजनैतिक जहाँ तक की बात है, चौथा जो घटक बताया मैंने राजनैतिक और सामाजिक, जो आजकल राजनीति में आते हैं वो भी ये नहीं चाहते। जैसे HKL भगत जी थे, मिनिस्टर थे, उस समय उनको कोई राय देने वाला नहीं था। आर्या साहब भी जब सचिव थे तो उस समय उनको भी कोई राय देने वाला नहीं था। ये सारी शक्तियाँ मिल जाती, सभी पूरियाँ मिल जाती तो हमारा एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बनता, उसका अपना सिलेबस होता, जो उस सिलेबस में वाणी बीतक को अनिवार्य रूप से रख देते, दर्शन पढ़ाए जाते, वेद पढ़ाए जाते, संपूर्णानंद की तरह, गुरुकुल कांगड़ी की तरह विश्वविद्यालय होता, तो आप सोचिए हजारों 10,000 5,000 बच्चे पढ़ते, पूरे देश के पढ़ते, प्रवाहियों के भी पढ़ते, वाणी को अनिवार्य रूप से पढ़ना पड़ता, तो सोचिए विद्वान तैयार होते तो वाणी का प्रचार होता। लेकिन चाहे भगत जी हों चाहे आर्य साहब हो, सबका प्रयोग किस में किया गया कि यहाँ ये मंदिर बना देना है, इस मंदिर के लिए ये करना है, यहाँ सड़क बना देनी है, ये तो चलता रहता है। ज्ञान को फैलाने के लिए, चितवनी को फैलाने के लिए कुछ किया ही नहीं जाएगा तो कैसे फैलेगा। एक रविशंकर जी निकलते हैं, दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री श्री श्री रविशंकर जी से मिलने के लिए भारत आते हैं। जब वो बंगलोर में उनका कार्यक्रम हुआ था, कुछ साल पहले अभी दिल्ली में हुआ था, देखिए कितने देशों के लोग, मुस्लिम भी थे, क्रिश्चियन भी थे, ऐसा नहीं कि हिंदुओं के बीच में उन्होंने किया, मुस्लिम तक आकर के उनका प्रवचन सुन रहे हैं, उनके ध्यान की प्रक्रिया को अपना रहे हैं। तो आज जो संसार जिस तरह से चल रहा है, हमने उनके स्तर पर संसार को समझाने वाले प्रचारक ही नहीं तैयार किए। हमारे बड़े से बड़े विद्वान को बुलाइए किसी भी बड़े से बड़े स्थान से, पहला शुरू क्या करेगा, खेल का महाकारण क्या है। सुंदर साथ जी हम परमधाम से आए हैं, हमने राज्य से खेल मांगा था, पहले हम ब्रज में आए थे, हम गोपियां थे, फिर रास में किया,
इसको सुनने के लिए रसिया वाले तो नहीं सुनेंगे, अरब वाले तो ये सब नहीं सुनेंगे। श्रोता क्या सुनना चाहता है, उसकी क्या मानसिकता है, उसको किस भाषा में समझाना है। जब आप किसी को तैयार ही नहीं होने न करोगे न करने दोगे तो हमारे समाज आगे कैसे बढ़ेगा। हर बड़ी बड़ी हस्ती के कुछ ग्रुप हैं, वो अपने साथ मंडली बनाए रखता है, वो सोचता है कि मेरे बाड़े की भेड़ कहीं छिटक कर दूसरे बाड़े में न चले जाए, सारा ध्यान इसी में रहता है। 10 भेड़ों को क्यों इकट्ठा करते हो, सारे संसार में ज्ञान क्यों नहीं फैलाते, मिलजुल करके राज्य की वाणी को क्यों नहीं फैलाते। वाणी जब कह रही है मेरी शुद्ध दो और को तीर्थ चले तुम्हारे तुम्हारा हुक्म, एक जयदयाल गोयनका 400 ध्यान केंद्रों की स्थापना कर सकते हैं, विपसना केंद्रों की। एक रविशंकर दुनिया के कितने देशों में जा सकते हैं, अभी 60 सालों के अंदर 80 देशों में ब्रह्मा कुमारी वाले फैल गए। ब्रह्मा कुमारी का क्या ज्ञान है, एक हफ्ते में इनकी सारी किताबें आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए पूरे देश में निरंकारी का राधा स्वामी मत का जाल बिछता जा रहा है। ये लोग जमीन खरीदते हैं, केवल केंद्र बना देते हैं, हर हफ्ते इनका कार्यक्रम होता है। हम 50 लाख खर्चा करके एक मंदिर बनाते हैं, साल में एक बार बीतक होगी, एक बार वार्षिकोत्सव 3 दिन का होगा, उसमें नाच कूद ही होगा, तो वाणी कहाँ से फैलेगी। हम हर हफ्ते गोष्ठी करने के लिए तैयार नहीं है, हर हफ्ते क्या, महीने में भी एक बार यदि गोष्ठी होती है, 3 घंटे का कार्यक्रम होगा तो 2.5 घंटे नाचना कूदना होगा और 1/2 घंटे मुश्किल से चर्चा हो जाएगी, तो उस पर भी रोकने वाले कितने खड़े हो जाते हैं। जब आप वाणी की चर्चा होने नहीं दोगे, फिल्मी धुन पर भजन केवल गाओगे और नाचोगे कूदोगे, तो फिल्मी धुन की भजन सुनने के लिए कौन पड़ोसी आपका आएगा। हमारी जितने क्रियाकलाप हैं सब उल्टी दिशा में चल रहे हैं, इसलिए हमारा प्रचार तंत्र कमजोर है। जो प्रश्नकर्ता का उत्तर है कि हम प्रचार तंत्र में कैसे सुधार करें, तो मैं तो अपनी बात कह सकता हूँ, मेरी आवाज़ YouTube के माध्यम से जिस जिसको जाए उसका हृदय परिवर्तन हो, वो सुधार की दिशा में अग्रणी हो, तो मैं समझता हूँ समाज में बहुत कुछ हो सकता है। अब जैसे देखिए हमारे समाज में कई ऐसे प्रभावशाली लोग हैं जो 5 मिनट में 5 करोड़ इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन उनके मन में आता ही नहीं कि हम शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाएं। उनके मन में यही आता है कि 10 करोड़ का मंदिर यहाँ बनाना है, 20 करोड़ का वहाँ बनाना है, किस लिए। वो सोचते हैं कि मेरा नाम बना रहेगा कि मैंने ये मंदिर बनाया है। याद रखिए सोमनाथ के मंदिर के थंबे भी सोने के थे, लेकिन उस सोमनाथ के मंदिर में 1000 पंडे रहते थे, एक भी विद्वान नहीं था। यदि चाणक्य जैसे एक भी विद्वान होता तो महमूद गजनवी को भारत में घुसने नहीं देता। आप मंदिरों से कभी जागने नहीं कर पाएंगे, मंदिर में केवल घंटी घड़ियाल बजेंगे, खाना पीना होगा, नाचना कूदना होगा। आप तो घरों में सेवा पूजा कर ही सकते हैं, आप मंदिर बनाइए, सीधे साधे मंदिर बनाइए। ज्ञानपीठ का मंदिर बनाया है, केवल इसमें 8 लाख का खर्चा हुआ है, जबकि लाइब्रेरी में 40 लाख का खर्चा हुआ है। तो ऐसा तो नहीं कि ज्ञानपीठ का मंदिर सुंदर नहीं लगता है, लेकिन जब फिजूल खर्ची केवल मंदिरों की सजावट में हो जाएगी, शिक्षा के नाम पर शून्यता रहेगी, साहित्य के नाम पर शून्यता रहेगी। आप सोचिए हमारे समाज की जितनी पत्रिकाएं हैं उनके लेखों का स्तर भी ऊंचा नहीं हो पाता, क्योंकि हम लेखक तैयार नहीं करेंगे, उच्च स्तर के संगीतकार और विद्वान तैयार नहीं करेंगे, तो एक बार के भंडारे में 3 दिन का जो कार्यक्रम होता है उससे कभी भी जागरण नहीं फैलेगी। आप नाचिए लेकिन मीरा की तरह तो नाचिए, भाव विभोर होकर नाचिए। आप तो फिल्मी धुन पर फिल्मों को देख देकर उनकी नकल उतारते हैं, ऐसे नाच से कोई भला होने वाला नहीं है। इसलिए समाज को चितवनी की तरह मुड़ना पड़ेगा, वाणी के उच्च स्तर के विद्वान तैयार करने पड़ेंगे जो अंग्रेजी में भी बोलें, संस्कृत में बोलें, अंग्रेजी में धारा प्रवाह बोलें, किसी को समझाने की सामर्थ्य रखते हों, शंकराचार्य को समझा सकते हैं, महामंडलेश्वर को समझा सके, बड़े बड़े सन्यासियों को प्रवाहियों के साथ बैठ करके कार्य कर सके, तो आशा की जा सकती है कि हमारा जागनी का रथ सही चलेगा। हम दूसरों को नीचा दिखाने में, दूसरों को बुरा कहने में ही सारी ऊर्जा लगा देते हैं और एक मंत्र के नाम पर लड़ते रहते हैं। अरे भाई आप निज नाम श्री कृष्ण जी ने, निज नाम हनुमान जी को, तो भी मैं आपको मना नहीं करता।
आपको जिस पर आस्था हो, जिस नाम को लेकर करते हो, लेकिन इसी नाम को लेकर पूरे समाज में झगड़े। ज्ञानपीठ तो कहता नहीं कि आप यही करो। आपका मूल मिलावा है, मूल मिलावे को ध्यान कीजिए। आपकी वाणी है, आप वाणी को पढ़िए। आप राज्य को जैसे पुकारना चाहते हो पुकारो, हम तो विरोध नहीं करते, लेकिन वाणी के प्रचार के लिए तो सबको एक होना चाहिए। लेकिन इस पर भी एक होने को तैयार नहीं है कि नहीं, वो तो ये मानते हैं, हम उनसे बात नहीं करेंगे, तो परिणाम क्या होगा? हमारा प्रचार नहीं बढ़ पाएगा, और इसी कमजोरी को दूर किए बिना हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे।